अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर कुवैत से आ रही है वो दोस्तों आ रही है कैंपेनिंग को लेकर। आपको पता है साथियों, वहां पे कुवैत में कैंपेनिंग का बहुत ही जबरदस्त वहां पे काम किया जा रहा है। जितने भी लीगल लोग वहां पे रह रहे हैं उस पे वहां पे कैंपेनिंग की जा रही है, सभी को पकड़ा जा रहा है, किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी को फाइन लगाया जा रहा है। तो साथियों बताना चाहूंगा, इसमें कैंपेनिंग के दौरान दोस्तों वहां पे जली ऑयल स्वैप एरिया में वहां पे एक ऐसे दफ्तर को पकड़ा गया है जो कि बहुत दिनों से वो ऑफिस खोल के बैठे हुए थे जितने भी डोमेस्टिक वर्कर होता है उनके लिए, और वो एक तरह का दोस्तों फेक था, कोई लाइसेंस उनके पास नहीं था। वो डोमेस्टिक वर्करों का कहीं और का इकामा होता था और कहीं और का वीजा होता था, पर दोस्तों उनको ज्यादा पैसा देकर और अपनी कमीशन को रखकर वो कहीं और काम करने भेजते थे, जिसके बाद दोस्तों उस वहां पे सभी को वहां पे पकड़ लिया गया। दोस्तों वहां पे यदि आपका वीजा कहीं और का है, यदि आप कहीं काम और कहीं कर रहे हैं, यदि आप डोमेस्टिक वर्कर हैं तो दोस्तों आपके लिए वो इलीगल हो जाता है, क्योंकि आपका जहां का वीजा लगा है वहीं पे आपको काम करना है, दूसरे जगह आप काम नहीं कर सकते हो। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हो, यदि आप मान के चलिए शाम में आपको छुट्टी हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दूसरे जगह एक्स्ट्रा आप काम करो, वो भी वहां पे इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह के वहां पे डोमेस्टिक ऑफिस, वहां पे एक लेबर ऑफिस को वहां पे पकड़ा गया, जिनमें से करीब करीब वहां पे 25 से 30 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अधिकतर लोग, कुछ लोग इसमें कुवैती भी शामिल थे, कुछ लोग बाहर के लोग भी शामिल थे। फिलहाल दोस्तों सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी पे फौजदारी का यानी 420C का केस सभी पे लगाया गया है। अगली जो खबर साथियों आ रही, बताना चाहूंगा साथी, कुवैत में दो मशीनें लाई गई हैं। अब दोस्तों मशीनें को क्यों लाया गया, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कुवैत में मशीनों को इसलिए लाया गया है, एक तो कोई भी शख्स यदि पार होता है उसको पूरी स्कैनिंग की जाएगी, और दूसरा मशीन लाया गया है यदि कुवैत में कोई ऐसी चीजें लाने की कोशिश कर रहा है जो कुवैत में इलीगल हो, जैसे कि कोई भी ड्रग्स वगैरह हो गया, कोई कैप्सूल हो गया कोई, या फिर वेपन्स हो गया, ये सब चीज यदि लाने की कोशिश कर रहा है तो पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मशीन को लाया गया, जिसके बाद तुरंत ही दोस्तों वो स्कैन कर देगा, चाहे वो कोई ये ड्रग्स ले लाने की कोशिश करे, कहीं पे भी छुपा के आप ला रहे हो वो तुरंत स्कैन करके आपके सामने ला देगा। तो इसके लिए दोस्तों दो मशीनों को वहां पे लाया गया, जो कि दोनों मशीन लगाया गया है दोस्तों नौशेर जो बॉर्डर है, नौशेर बॉर्डर वहीं पे लगाया है, क्योंकि अधिकतर वहीं से लोग ये सब चीजों को आना जाना करते हैं। तो फिलहाल अभी ये दोनों मशीनों को नौशेर बॉर्डर में लगाया गया है, और बताया जा रहा है बहुत ही जल्दी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इस मशीन को लगाया जाएगा। दोस्तों अभी लगाया नहीं गया पर लगाया जाएगा, नौशेर बॉर्डर में लगा दिया गया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर साथियों जो आ रही है, एक कुवैती को और एक वहां पे एक्सपर्ट को, मतलब प्रवासी को जो कि बाहर से वो आया था, दोस्तों दो शख्स को वहां पे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो दोनों शख्स क्या कर रहा था, गांजा बेचने का धंधा कर रहा था। यहाँ साथियों गांजा को कहीं से लाता था, जिसके बाद पुड़िया वो बना के दोस्तों पूरे कुवैत में पूरा वो धंधा करता था, बेचता था। फिलहाल दोस्तों दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी मात्रा में गांजा को वहां पे सीज किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने आपको शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।